लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने आज बूंदी में डाक पत्र से मतदान किया। साथ ही कार्मिकों ने आम जन से मतदान करने की अपील की। बूंदी के पुलिस ऑडिटोरियम में 1200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कार्मिकों, होमगार्ड जवान, आरएसी कार्मिकों ने मतदान किया। में जो 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में जो मतदान होगा उसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मियों की, होमगार्ड्स वगैरह की जितनी भी जो चुनाव ड्यूटी लगेगी उसका आज मतदान पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में की गई है। ये बहुत ही अच्छा काम है। 26 अप्रैल को है और हमारी ड्यूटी लगने से हमने डाक मतपत्र का उपयोग किया। तो सभी से आग्रह करते हैं कभी चुनाव वोट ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक वोटिंग करें। 26 अप्रैल को जो सेकंड चरण का मतदान है उस मतदान दिवस में हमारी जो कानून व्यवस्था है तो ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए हमने आज हमारे मतदान का प्रयोग पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र से किया है। पुलिस और आरएसी के मतदान हुए हैं डाक मतपत्र। इसमें बूंदी विधानसभा का अलग काउंटर है, हिंडोली विधानसभा का अलग काउंटर है, के पाटन का अलग काउंटर है, अन्य जिलों के पुलिस और आरएसी के दो काउंटर है, जिसमें एक काउंटर में 12 लोकसभा है, एक में भी 12 लोकसभा है, जिसके लगभग 1200 डाक मतपत्र से आज दिनांक 15 और 16 को डाक मतपत्र करने की सुविधा दी गई है।